हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली यादव रेसिपीज़। तो यहाँ पे हो रही है पैकिंग, गिफ्ट पैक कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग जाएंगे बर्थडे में, तो वहीं पे गिफ्ट देने के लिए मैं घर पे ही इसको पैक कर रही थी सामान मंगवा के। और ये जो कपड़ा है ये मेरे पास रखा हुआ था और बास्केट भी था, तो सोचा क्यों ना घर पे ही पैक कर ले, क्योंकि बाहर से लाते फिर उसमें इतने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत सामान होता है। एंड घर पे ये बहुत अच्छा सा हम लोगों ने इसको पैक किया था, डेकोर किया था। एंड उसके बाद बच्चे अपना खेल रहे थे और मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही थी। सीनू से बोल रही थी मैं बार बार चलो नहा लो चल के, बट उसको तो खेलना ही था दीदी लोगों के साथ में। और अभी बच्चे हैं, छुट्टियां हैं, तो सब साथ में हैं, खेल रहे हैं, वरना फिर सीनू अकेले हो जाते हैं जब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, तो फिर ये मुझे बहुत परेशान करता है। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, साड़ी मेरी ये बाहर रखी थी, मैंने सोचा आज फिर क्यों ना इसको वेयर कर लूँ। एंड फिर वही साड़ी मैंने पहन ली और मैं रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी वीडियो। एंड उसके बाद हम लोग निकले थे करीब 1:45 पे, एंड वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे 5 बजे के पहले ही पहले पहुँच गए थे, क्योंकि रास्ते में मैं कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि कपड़े वगैरह लेने थे, तो मॉल वगैरह में हम लोग रुक गए थे थोड़ा सा टाइम। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए थे जिस रास्ते से, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। और गर्मी इतनी हो रही थी, ऊपर से सीनू अपना अलग परेशान थे। यहाँ पे गए मॉल में तो सीनू ने अपना पहले ही जेम्स का एक पैकेट ले लिया था, उनको तो अपनी फेवरेट चीज़ों से मतलब है, कहीं गाड़ी, कहीं जेम्स, कहीं चॉकलेट, तो हम लोगों ने जो लेना था ले लिया, थोड़े बहुत कपड़े। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गए थे दूसरी शॉप पर, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े लिए थे, पूरा जो लेना था हमें सामान वो नहीं मिला था। फिर दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे कपड़े लिए, एंड उसके बाद हम लोग गए जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ पे हम लोग गए थे और गाड़ी पार्क करने में यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा सा ही टाइम था, लगा था हमें, जस्ट हमें थोड़े से कपड़े लेने थे बस, तो यहीं पर गाड़ी पार्क कर दी और फिर हम लोग अंदर गए। एंड कपड़े पसंद किए बहुत, देखने के बाद एक ड्रेस पसंद आई, लेनी तो दो थी बट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, तो एक जो पसंद आई वो ली हमने और फिर हम लोग वापस आ गए गाड़ी में। और ये देखिए अपना सीनू जेम्स का पैकेट लेके बैठे हुए हैं, इसको छोड़ ही नहीं रहे थे, ना ही इसे ओपन कर रहे थे कि ओपन कर दूँ तो ये खा लें। एंड उसके बाद इसको देते थे मुझे, मम्मा रख दो, मैं जैसे ही रख देती थी एंड फिर वापस से मम्मा मुझे मेरा पैकेट चाहिए ऐसे बोल रहे थे बार बार। और हम लोग पहुँच चुके थे घर पर और ये देखिए 5 बजे के पहले पहले हम लोग पहुँच, और यहाँ पे सीनू पहुँच गए थे। इसकी एक आदत इतनी ख़राब है कि ये जहाँ भी जाता है बस सारे खिलौने अपना समेट के बैठ जाता है, फिर दूसरे बच्चों को नहीं देता है, सब सीनू का ही हो गया। और ये यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था डेकोर। एंड उसके बाद जो है बर्थडे किसी का भी हो, केक तो सीनू को ही कट करना है, तो यहाँ पे 2 केक आए थे, क्योंकि सबको पता था कि ये पहले से मांगेगा खाने के लिए, तो यहाँ पे इसको अलग से कटोरी में कट करके दे दिया गया था और अपना अलग जुटे थे खाने में। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे, केक कटिंग हो गई थी, गर्मी इतनी थी कि क्या ही बताएं। और ये देखिए सीनू अपना केक खा रहे हैं और बर्थडे गर्ल है ये पिंक वाली जो ड्रेस पहने है बिटिया, इनका बर्थडे है, और ये अपना परी वाला ड्रेस, परी वाले विंग्स लगाए हैं इन्होंने, क्योंकि इन्हें परी वाला ड्रेस चाहिए था। एंड यहाँ पे केक कटिंग होने जा रही है, तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग वीडियो को। आने के बाद तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं है। बाबा।
कैसे रोता है? वापस रो, गुस्सा हो जाओ अच्छे मम्मा से, मम्मा से गुस्सा हो जाओ। इसको बना दे, इसको इसका बॉडी कौन बनाएगा? फेस फेस बनाया इतना बड़ा, इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। सही सही जा रहा है, ये ऊपर वाला सीनो सरस का है, ये नीचे वाला मेरा है। सीनो एलिफेंट दिखा दो, भैया ने बनाया जो, और जो मम्मा बनाती है छोटा वाला, ये उल्टा है उल्टा। तो किसने बनाया एलिफेंट? मुझे कलर करना है। कलर करना है? हाँ। कलर कर दो। और यहाँ पे मैं गई हुई थी मार्केट क्योंकि मुझे अपना एक ड्रेस चेंज करना था, और फिर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए जो मैं लेके गई थी, फिर वही मुझे सही लग रहा था, तो फिर मैं वही वापस लेके आ गई थी। और यहाँ पे आने के बाद फिर हमने चावल फ्राई किए। स्टार्ट कर सीनु नहीं उठ पा रहा है। सीनु रहा है योगा, क्या कर रहा सीनु? योगा। अच्छा चलो करो सीनु योगा। योगा चल रही है, मुझे भी दिखाओ। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही थी आइसक्रीम क्योंकि बच्चों की तो आइसक्रीम फेवरेट होती है, हमारी भी फेवरेट होती है, बट बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। सीनू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अगर डब्बा देख लेता है तो जब तक डब्बा फिनिश नहीं हो जाएगा फिर ये और कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ आइसक्रीम ही खाता है। इसको कैसी है, कैसा लग रहा है फ्लेवर? सीनो क्या कर रहा है? क्या किया? सीनो पापा से कैसे गुस्सा? पापा से कैसे गुस्सा होता है? दीदी को नहीं मारो। पहनिए ना सर, अच्छे लगते हैं। कुछ खाऊंगा। अब क्या खाओगे? और फिर मैं आ गई थी वाटर पार्क में क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे, उन्हें वाटर पार्क जाना था, तो हम लोग आए थे यहाँ पे वाटर पार्क। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था एंड यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे हम लोग टिकट लेने के लिए खड़े हुए थे, बहुत पहले आ गए थे हम लोग क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बात में काफ़ी दूर हो गई थी। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अपना इन्जॉय वाटर पार्क। उसको आने दो, उसके अपने आप आए, वो आए। हाँ तुम यहाँ पे पैर रख, यहाँ पे पैर रख लो, आओ चलो आओ। लड्डू
चलना है भैया।